मेरा नाम रणधीर कुमार मिश्रा, मैं एमए और बीएड किया हूं और मुझे शिक्षा में 5 वर्षों का अनुभव है। मेरे जिला की विशेषता यह है कि इसी जिले में राजा और रानी पाए जाते हैं, जिसको आप रानी के नाम से यहाँ पर नेतरहाट को जान सकते हैं। यदि आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप यहाँ आकर के यहाँ के नेतरहाट का सूर्योदय और सूर्यास्त आप देख सकते हैं। और यहीं पर जो है आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात, जिसको हम लोग लोध या बुढ़वा घाट जलप्रपात के नाम से जानते हैं, जो यहीं पर मिलता है, जो एक बहुत ही रमणीय स्थल भी है। और दूसरे बातों को हम कह सकते हैं तो इस जिले में बेतला टाइगर रिजर्व उद्यान या अभयारण्य है, जो सबसे प्राचीन या पुराना माना जाता है। मैं राजकीय मध्य विद्यालय मारंग लोहिया में शिक्षक हूँ। मेरे विद्यालय में 300 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या यह थी, मेरे विद्यालय की समस्या यह थी कि कितना भी बोला जाए तो बच्चे ससमय उपस्थित नहीं हो पाते थे। बच्चे आते थे लेकिन उनकी उपस्थिति समय पर नहीं हो पाती थी। मैंने जब अरविंद सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि मैं पैसे खर्च किए बिना भी ऐसे नवाचार कर सकता हूँ जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के बच्चों की गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला और मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैं उसे ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाया। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कई तरीके सीखे, जैसे जूम ऐप, फेसबुक लाइव, जूम मीटिंग और इसी के साथ गूगल मीट का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मैंने समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि जो बच्चे समय पर नहीं आते थे और जो बच्चे समय पर आते थे उनके लिए कार्यक्रम रखा, जो बच्चे समय पर आने लगे उनके लिए हमने एक हरा पट्टा का प्रयोग किया, उनके गलों में एक टाई के रूप में हरा पट्टा बांधता था और उनको प्रार्थना सभा में अलग लगा करके उनको प्रोत्साहन अलग से करते थे और इन बच्चों को थोड़ा सा डिमोलाइज किया जाता था। इनके बाद इनकी उपस्थिति में उससे बचने के लिए उपस्थिति में सुधार होने लगी और वो बच्चे समय पर आने लगे। श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मैं मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।